नमस्कार, चलिए आपकी फॉर्म का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी फॉर्म बताती है। और आपने सवाल पूछा है हॉरोस्कोप एंड प्लीज टेल मी अबाउट माय करियर बिजनेस और जॉब वेल्थ हेल्थ मैरिज एंड करियर इन स्टॉक मार्केट। चलिए फॉर्म से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए मेष लगन है, तुला राशि है, आपकी स्वाति नक्षत्र है। देखिए मैं कुंडली का पूरा विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आप जो मेन मेन पॉइंट है मैं उसके बारे में ही आपको बता रही हूँ। सूर्य आपका नीच का है, दिक्कत यहाँ पे है। मंगल उच्च का है, ये बहुत अच्छी बात है आपके। चलिए यहाँ से दोनों कुंडली के बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य नीच का है, दिक्कत यहाँ पे है। गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बट आपके इस भाव में बैठा हुआ है, पराक्रम के भाव में, तो फिर भी ठीक है। आपका सबसे प्लस पॉइंट है आपका लग्नेश उच्च का है, तो मंगल आपका उच्च का है, तो जब मंगल उच्च का होता है तो ऐसे जातक उसमें भी कुल दीपक योग बना रहा है आपका, बहुत अच्छा है मंगल आपकी कुंडली में। अगर ओवरऑल सबसे अच्छा ग्रह प्लेनेट बोला जाए तो आपका मंगल है। बुद्धादित्य योग बन रहा है, लेकिन यहाँ बुद्ध सूर्य आपका नीच का हो गया, यहाँ पे पूर्ण फल नहीं मिलेगा। उसके बाद शुक्र बुद्ध साथ में है, सूर्य है तो नीच भंग राजयोग भी बनता है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र चंद्र की युति है, ये भी अच्छी युति है, लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया सूर्य। मैरिज लाइफ में आपको दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि सूर्य जब आपके सेवंथ हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे दिक्कतें करते हैं, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है जातक के साथ में। गुरु राहु की युति है तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा, एजुकेशन प्राप्त करने में आपको दिक्कत आएगी, कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। शनि आपके धन भाव में है, तो शनि कहाँ का स्वामी है आपके, रोजगार के भाव का है ना, यहाँ पे टेंथ हाउस के स्वामी होके यहाँ बैठे हुए, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, वृष राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से शनि फल देगा, लेकिन शनि की दृष्टि भी तो है यहाँ पे, है ना। देखिए उतना मैं विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, बस मेन मेन पॉइंट बोल रही हूँ। अगर इस कुंडली की रेमेडीज चाहिए तो गुरु राहु और सूर्य नीच का है, इसकी रेमेडीज होगी। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो आप माणिक पहन लीजिए, माणिक आपके लिए अच्छा रहेगा। पुखराज भी आप पहन सकते हो, पुखराज भी आपके लिए सही रहेगा। देखिए यहाँ भी राहु केतु है ना, यहाँ भी कुंडली में भी है राहु केतु, सूर्य आपका गया हुआ है, यहाँ पे सूर्य मंगल, सूर्य और शनि मंगल शनि की युति बन रही है ना, तो यहाँ भी नवास कुंडली में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, है ना। देखिए आपकी महादशा शनि की शुरू हो चुकी है, धन तो आएंगे लेकिन रिश्ते में बिछड़ाव वगैरह होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में होता है, जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव की तो वृद्धि जरूर करते हैं, जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं उस भाव को दिक्कत करते हैं, तो निगेटिव थॉट्स वगैरह बहुत ज्यादा आएंगे, अकेलापन रहने का संभावना है। हाँ एक चीज और है आपका, देखिए सूर्य नीच तो है लेकिन 28 डिग्री पे है, तो पूर्ण अपना नीचता का पूर्ण फल जो होता है सूर्य नीच होने की वजह से जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन कभी भी पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिएगा, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं, ठीक है। ये तो हो गई, इसके रिलेटेड मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है। कुल दीपक योग है तो ऐसे जातक अपने कुल में खानदान में तो नाम जरूर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए पाम पे आते हैं। देखिए आपकी पाम जो है ना स्क्वायरी पाम है, जब भी आपका पाम स्क्वायरी हो जाता है तो ऐसे जातक मेहनती होते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपका ये एरिया ज्यादा डेवलप है ना, इस तरीके से गया है ऊपर की ओर, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ को बताता है, ग्रोथ अच्छा खासा होता है ऐसे जातक का। आपका मेंटली लॉजिकली और फिजिकली तीनों जोन डेवलप है, बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। आपके पाम में एक चीज देखिए क्लियर कट दिख रहा है, आपके जो ये फिंगर है इस पे इस तरह से लाइनें हैं। देखिए जब भी इस तरह से स्लिपिंग लाइनें हो जाती है आपके फिंगर पे, तो ऐसे जातक को अपने रिश्तेदार से खास करके बहुत बच के रहना चाहिए। सबसे बड़े दुश्मन रिश्तेदार अपने लोग ही होते हैं, तो आपको ऐसे भी बनती भी नहीं होगी अपने रिश्तेदार कुटुंब से, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। सेटिंग देखें तो काफी लो है, तो स्ट्रगल लाइफ में रहेगी। अगर अभी तक आपने स्ट्रगल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में तो 100% स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। हाँ लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए पाम के कॉम्पेरिजन फिंगर है सारी छोटी है आपकी, जब भी पाम के कॉम्पेरिजन फिंगर छोटी होती है तो क्विक निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे जातक, थोड़ा हड़बड़ी स्वभाव को बताता है, कोई भी चीज को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। पहला फिंगर आपका बहुत अच्छा है, देखिए जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है आपके अपोलो फिंगर से, जब भी जुपिटर की फिंगर हो जाती है अपोलो फिंगर से तो ऐसे जाता है जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लेते हैं, अगर कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको बखूबी निभाते हैं, एजुकेशन वगैरह अच्छा होता है, भले आपकी कुंडली कुछ और बोल रही है बट हाथ में जो दिख रहा है यानी कि आपका माइंड इस प्रकार से तभी हाथ इस प्रकार से दिख रहा है, एजुकेशन अच्छा रहता है। हाँ विघ्न बाधा जरूर आते हैं एजुकेशन में, लेकिन एजुकेशन अच्छा रहता है, तो एजुकेशन अच्छा अच्छी डिग्री को बताता है। अगर एक सेकंड के लिए डिग्री नहीं भी अच्छा हो तो नॉलेज बहुत अच्छा होता है। दाम्पत्य सुख में कमी तो रहेगी,
या तो लेट शादी को बताएगा या फिर लेट संतान को, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग भी लो है ना। तो यहाँ पे ये शादी को मैटर लेके डिले हो सकती है, बट और जितने भी गुरु संबंधी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी महत्वाकांक्षा होगी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी, जिम्मेदारी लेते हैं तो बहुत अच्छे से निभाते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो डिसिप्लिन में रहने वाले कर्मठ होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं, इसे ज्यादा कार्यों के प्रति बहुत अच्छा लगाव होता है। अच्छा है आपका शनि। सूर्य की फिंगर छोटी है, देखिए यहाँ आपके कुंडली में भी नीच का है सूर्य, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप काम बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है आपको अपने काम का। पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंध अच्छा नहीं रहता है, मान सम्मान प्राप्ति करने में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए आपकी छोटी फिंगर, आपकी लिटिल फिंगर छोटी है, तो लिटिल फिंगर जब भी छोटी हो जाती है कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है। कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत होता है, आपके अंदर बहुत कुछ रहता है लेकिन बाहर नहीं निकालते, बहुत बड़े बड़े राज अंदर दफन करके रखते हैं ऐसे लोग। अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा शर्मिलेपन को नेचर को दिखाता है, स्टेज फियर होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, नॉलेज ऐसा नहीं कि नहीं होता। और हाँ एक चीज है, अगर इस तरह से कल्ट हो तो फैमिली को बहुत ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने फैमिली के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। नोट्स क्लियर नहीं है जिस वजह से क्लियर कट बात करना नहीं आते हैं किसी से भी, भले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट बहुत बात सोच समझ के निकालते हैं बाहर। थम जो कुछ पाम ऑफ सोल है ये काफी स्ट्रॉन्ग है आपका। देखिए थम स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, ये चारों फिंगर में जो निगेटिविटी होती है उसको ये रिकवर करता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति होती है ऐसे जातक को। और देखिए इस तरह से है तो ये आपके एडजस्टेबल नेचर को बताता है। बुद्धा आइज है तो ऐसे जातक को ऐसा आराम की कोई कमी नहीं होती है। मल्टी मिलियनेयर साइन में से एक साइन इसको भी बोला जाता है, ये लोग मेहनती होते हैं जिस वजह से अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन कभी कभी शो ऑफ करने के चक्कर में पैसे बर्बाद भी बहुत ज्यादा करते हैं। पहला पूर्वा दूसरा पूर्वा बहुत अच्छा है आपका, लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं, दी बेस्ट है। अब आइए आपके माउंट पे, सबसे पहले गुरु का माउंट। देखिए गुरु का माउंट क्या है ना आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्क्वायर है, क्रॉस है ना, तो ये यहाँ से दिख रहा है अच्छा दाम्पत्य जीवन आपका। तो अगर आपका मान लीजिए अच्छा दाम्पत्य है तो कहीं ना कहीं आपके तरफ से दिक्कत हो सकती है ना, सामने वाले से दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप अपना देखिए, अपना कुछ नेचर वगैरह ठीक कीजिए, नहीं तो अदरवाइज ठीक है। हाथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका गुरु माउंट पे क्रॉस है तो अच्छी लव लाइफ अच्छी होती है, लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए एक रेखा यहाँ है एक रेखा यहाँ है, एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट को, ये 30 से पहले का है ये 30 के बाद का है, ये सीन बन रहा है आपके हाथ। तो अब देखिए इस पे क्या है, इसका फल क्या मिलता है, यहाँ पे क्रॉस फिश इस तरह से देखिए आपके हाथ पे ना क्लश टाइप का बना हुआ है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा धन को इंडिकेट करता है ना, यहाँ पे बना हुआ है तो ये एरिया बहुत शुभ है आपका, है ना, यहाँ पे ये क्लश बहुत अच्छा है हाथ, तो ये तो बहुत साक्षात लक्ष्मी का कृपा होता है ना, ऐसे जातक पे बहुत अच्छा लक्ष्मी का कृपा होता है। बस इस साइन के बाद तो ज्यादा कुछ साइन देखने की जरूरत भी नहीं होती, हाँ स्ट्रगल आपके लाइफ में है लेकिन लक्ष्मी की कृपा अच्छी है। अब आइए आपकी शनि, यहाँ पे देखिए दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होना इस चीज को दिखाता है। ये एरिया थोड़ा सा कभी कभी कार्यों को टालने की आदत होती है जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, एक समय निकल जाने के बाद फिर कार्यों को इम्प्लीमेंट के बारे में सोचती है लेकिन तब तक तो टाइम खत्म हो जाता है। शनि के माउंट पे अगर देखे तो यहाँ पे ट्राइंगल भी है, ट्राइंगल ऑकल्ट साइंस में जबरदस्त का रुझान देता है ये ट्राइंगल, और अगर आप इसमें करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त होती है। स्क्वायर का भी साइन है जो कि साइन बताता है आपको बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं वगैरह से सेफ करना, ठीक है, ऐसे जातक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं से सेफ हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना लाइनें हैं, देखिए अभी पैसा सेव कीजिए नहीं तो आने वाले टाइम में आपको ओल्ड एज में पैसे की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा हाथ में दिख रही है। देखिए सूर्य माउंट पे यस की लाइनें है, बहुत सुंदर अच्छा धन है, फॉरेन वगैरह से धन आने के चांसेस है, अगर कोई व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरनेशनल व्यापार करते तो अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बहुत सारी लाइनें, बहुत कंफ्यूज है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिश का भी साइन है, मल्टी मिलियनेयर साइन है, पैसे तो आप कमा लोगे, बहुत ज्यादा कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रगल बहुत लाइफ में आपकी होने वाली है क्योंकि सूर्य माउंट एकदम से क्लियर नहीं है आपका। ट्राइंगल भी है, माइंड भी साफ है, ट्राइंगल स्क्वायर क्रॉस सब है, तो बदनामी से थोड़ा बचिए। पिता के साथ संबंध या तो अच्छा नहीं होता या पिता से दूर रहने, पिता के सुख में किसी ना किसी तरह से कमी को दिखाता है। अपने आँख पे ध्यान दीजिए, खास करके बाई आँख को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है इस तरह से सूर्य का इतना ज्यादा डिस्टर्ब होना, है ना, इस चीज को दिखा रहा है। बुध का माउंट अच्छा है, उभरा हुआ है, बुद्धिमान है, अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कॉन्विंस कर लेते हैं लोगों को, लेकिन टाइम लगता है खुलने में किसी के सामने। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल पे ट्राइंगल है, अंदरूनी मंगल पे आपको इस तरह से पतंग का साइन है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए आप बिजनेस कीजिए आपका चलेगा, भूमि से रिलेटेड बिजनेस कीजिए, फार्मिंग का बिजनेस कीजिए वो चलेगा आपका, उसके बाद गाड़ी वाहन का बिजनेस कीजिए वो चलेगा आपका, बहुत अच्छा चलेगा। तो इन सबसे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मकान बनते हैं आप उसका कीजिए।
रियल एस्टेट वगैरह का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मंगल पे ये है ना, ये एरिया मंगल का ही माना जाता है, यहाँ पे फिश का साइन है। तो आपको अपने हिम्मत से, अपने इन सभी चीज़ों से धन को लाभ को दिखाता है। भूमि वाहन की कोई कमी होती नहीं है, पुत्र की कोई कमी नहीं होती है। चंद्रमा पे मल्टीपल लाइनें हैं, जो कि बताता है यात्रा ऐसे जातक को अच्छा खासा यात्रा लाइफ में होता है। यहाँ पे आपको फ्लावर का साइन है, आपके चंद्र के माउंट पे फ्लावर का साइन होना बहुत अच्छी बात होती है। क्या होगी, माँ लक्ष्मी का कृपा होगा। और कहाँ से होगा, तो विदेशों से आएगा पैसा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कीजिए या घर से दूर बिजनेस कीजिए, वर्थ प्लेस से दूर, या शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में कीजिएगा। बट सूर्य आपका नीच का है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सेफ गेम खेलना है, रिस्क नहीं लेना है आपको। जिसमें सिक्योरिटी हो वही स्टॉक मार्केट में, वहीं पे पैसा थोड़ा लगाइए। हालांकि आपका अच्छा योग है पैसे वगैरह आने का, ये राहु अच्छा योग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर है, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो वहाँ पे आप मात खाएंगे। बहुत सोच समझ के लगाएं, स्टॉक मार्केट में अच्छा संभावना है जीत का, क्योंकि आपके यहाँ पे भी इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है केतु माउंट पे, तो अच्छा है आपका। केतु भी मंगल का बल, गुरु का ज्ञान अच्छा है, यहाँ पे फिश का भी साइन है। स्टॉक मार्केट विदेशों से अच्छा धन, स्टॉक मार्केट से धन, शेयर मार्केट से धन, नेटवर्किंग से धन, और ऑनलाइन बिजनेस में धन लाभ, इन सभी बिजनेस में धन लाभ, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि सूर्य आपका डिस्टर्ब है। रिस्क लाइफ में लीजिए, सोच समझ के लीजिएगा। देखिए, अब आपका शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। शुक्र माउंट अच्छा होने से क्या होता है, लग्जरी लाइन बहुत ज्यादा है, तो लग्जरी लाइन भी अच्छे से है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है। आप बोलोगे कि यहाँ तो आपने बोला है दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, मैंने क्या बोला, आपको आपकी तरफ से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज दाम्पत्य सुख का अच्छा है। थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम होता होगा रिश्ता में, ठीक है, बस, और बाकी सब अच्छा है। हाँ, पहले शादी या पहले अफेयर टूटने का योग है, क्लियर कट है, ठीक है। अगर दूसरा शादी वगैरह होता तो अच्छा आपका चलेगा। उसके बाद लग्जरियस लाइफ जिएंगे ही जिएंगे, लाइफ पार्टनर सुंदर सपोर्टिव होगी, अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपका इस तरह से ये रेखा है, इन्फ्लुएंस लाइन, मतलब बार बार आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आप इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। एक तो मंगल रेखा, ये तो सपोर्ट को दिखा रहा है, ये सपोर्ट करेगा आपको। उम्र आपकी तकरीबन 29 के राउंड होगा, तब से आपको ये रेखा सपोर्ट करेगा। तो इतने भी निगेटिव इम्पैक्ट है ना आपके, ये द्वीप का साइन ये इस तरह से है, तो ये सब आपका कमने लगेगा धीरे धीरे। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उससे निकल जाओगे, लेकिन ये जो लाइन है ना साइड से इतने सारे इन्फ्लुएंस, तो बहुत जल्दी कहीं पे भी आपका मन आ जाना, दिल आ जाना, तो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी लोगों से होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए। बाकी अच्छा है सब कुछ। ये ठीक नहीं होने की वजह से शुक्र खराब होगा, आपका गुरु राहु का ये है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा कैरेक्टर को लेकर हो सकता है। राहु माउंट अच्छा है, दबा हुआ है ना, उठा हुआ है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा है राहु माउंट। राहु माउंट पे इस तरह से आपको ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल होने से तो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से धन लाभ, पॉलिटिक्स वगैरह में धन लाभ होता है। लेकिन बार बार मैं बोल रही हूँ सूर्य का प्रॉब्लम, सूर्य को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर बाकी सही रहेगा आपका। अब आइए आपकी हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन आपकी शनि के माउंट से निकला हुआ है। जब भी हार्ट लाइन शनि के माउंट से निकलता है, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। यहाँ से एक लाइन गया है, तो ये धार्मिकता स्वभाव को बताता है, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। देखिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक है आपका, यहाँ बीच में एक प्रॉब्लम है। देखिए ये उम्र होगा आपका 32 से लेके 40 तक के उम्र में इमोशनली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रही होगी, जिससे आपको इमोशनली अटैचमेंट होगा वो आपसे दूर जा सकता है, या किसी तरह का इमोशनली प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए ये एज है, ये एज में बिल्कुल ये लाइन इधर को जा रही है ना इधर, तो ये एग्रेसिव नेचर को बताता है। एक उम्र के बाद यानी 45 के बाद 48 के राउंड से आपको एग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह आने की संभावना, और जबरदस्त का दिल टूटने का, या फिर किसी को पैसे देते हैं तो रिश्ते खराब होने का चांसेस है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है क्या, उसके बाद आपकी रेखाएं ठीक बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से कह सकते हैं कि आपको हार्ट संबंधी आई संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये नहीं कि कंफर्म है कि होना है, हो सकता है, इसके लिए आप चेकअप वेकअप करवाते रहे सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, हार्ट वगैरह का चेकअप का। इमोशनली रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फ्लर्टी नेचर के भी हैं आप, जो कि दिख रहा है इस तरह से यहाँ पे। अब आइए माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन में भी सेम कंडीशन, यहाँ पे द्वीप का साइन है ना, ये फिश लाइक लग रहा है लेकिन द्वीप है ये, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ये लाइन निकला हुआ है ना, यहाँ से नहीं, तो ये जो है ना द्वीप का साइन, ये निगेटिव इम्पैक्ट देगा। ये उम्र होगा आपका सेम 32 से लेके 40 तक का। देखिए इस उम्र में आपको निराशा हाथ लगेगा, कार्यों में व्यवधान आएगी, मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा है, आपको कोई भी चीज काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, जो सोच के काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, दिक्कतें थोड़ी आएगी यहाँ पे, है ना। वैसे आप फैमिली से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज है, माइंड लाइन थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी मुझे दिख रही है। उसके बाद फिर चीजें ठीक हो जाएगी 42 के बाद, है ना, चीजें ठीक होनी शुरू होगी, जैसा कि आपका लाइफ लाइन भी इंडिकेट कर रहा है। प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं ऐसे जातक, अपने हेल्थ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए लाइफ लाइन भी यहाँ तक बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम से जंजीर नुमा है,
लेकिन प्लस पॉइंट है कि इससे लगा हुआ एक लाइन चला है तो ये ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा नहीं, है ना। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, ठीक है। आप मेरे से फोन पे बात करना तो आप मुझे बताना माइंड लाइन का और लाइफ लाइन का रेमेडीज बतानी है। देखिए ऑक्सफोर्ड तो निकला हुआ है, यहाँ से निकले हुए रेखा है, लेकिन इतनी सारी राहु रेखा में क्या प्रिडिक्शन मैं करूँ, यहाँ पे इतने सारे राहु रेखा, लाइफ में इतना ज्यादा ऑब्स्टिकल आ रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आ रहा होगा। यहाँ से एक रेखाएं गई है, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस में कोई डाउट मैं बता देती हूँ। आप भूमि संबंधी बिजनेस कीजिए, या तो आप मकान बनाने वगैरह का बिजनेस कीजिए, दूसरी चीज आप या तो फार्मिंग का बिजनेस कीजिए, उसमें आपको अच्छा चलेगा। अगर आप जॉब में हैं, फौज में हैं वगैरह, तो ये थोड़ा हेल्थ को लेके इश्यूज होंगे, क्योंकि मंगल स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे ज्यादा फौजी वगैरह भी होते हैं, डिफेंस वगैरह में होते हैं, पुलिस में होते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य है, अच्छा भी है, सूर्य खराब है तो अच्छा भी है ना, क्योंकि यहाँ पे फीस का साइन वगैरह है, तो पैसे तो अच्छे आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और लास्ट में देखिए फॉरेन वगैरह घूमने का अच्छा योग है, विदेश वगैरह, अगर विदेश नहीं भी जाते हैं तो घर से काफी दूर दूर इंडिया में ही ट्रेवल करेंगे, दूर दूर ट्रेवल करेंगे। मूल लक लाइन है जो कि यहीं तक है, उसके बाद लक लाइन बिल्कुल हथेली में नहीं है, तो आपको मैं एकदम से कहना चाहती हूँ 32 के बाद आप थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको लाइफ में, थोड़ा सा आपको बहुत सतर्क रहना है, पैसे सेव करना सीखिए, क्योंकि पैसे ओल्ड एज में फिर दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है, आएंगे पैसे, बहुत खर्च होंगे हेल्थ में लेके। और आप मेडिटेशन कीजिए, सबसे बड़ी बात है आपकी माइंड लाइन इतनी डिस्टर्ब है तो मेडिटेशन कीजिए, शिव जी की पूजा तो कीजिए ही कीजिए, बाकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। ये लाइनें अभी आ रही हैं, सब बाहरी लाइनें आ रही हैं इस तरह से, तो ये सब बाहरी लोगों का सपोर्ट को दिखा रहा है, आफ्टर मैरिज सक्सेस होगा। अगर आप हॉस्पिटल लाइन, आध्यात्मिक लाइन, स्पिरिचुअलिटी के और काम करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं, या एजुकेशन से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो इसमें भी सफलता मिलेगी, साथ ही आप भूमि संबंधी, लैंड संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो ठीक है, आपने बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में मैंने बता दिया, सबसे पहला बात होता है हेल्थ या सब कुछ होता है, तो आप पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ को ठीक कीजिए, उसके बाद बिजनेस वगैरह तो हो ही जाएगा आपका, है ना। क्योंकि देखिए लास्ट में निकला है तो बीच का जो टाइम होगा ना, 42 से पहले का टाइम बहुत स्ट्रगल भरा होगा, जैसा कि आपकी शनि का महादशा भी शुरू हो गया है 20 से, तो स्ट्रगल तो बढ़ ही गया होगा आपके लाइफ में। अभी भी अच्छी साइन भी है, तो अच्छी साइन यही है कि आपको इससे लड़ने की शक्ति देगा, है ना, प्लार्स का साइन जैसे चंद्रमा उन पे, तो आप इस काम को करें। आप खाने पीने का भी बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड संबंधी बिजनेस भी कर सकते हैं, चंद्र अच्छा है आपका, ठीक है, तो आप इन सभी बिजनेस को करें। स्टॉक मार्केट में आप ज्यादा पैसा मत बर्बाद कीजिए, हो सकता है प्रैक्टिकल काम कीजिए, क्योंकि मंगल आपकी प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, स्टॉक मार्केट वगैरह में कीजिए, अगर बहुत सियोरिटी हो तभी कीजिए, नहीं तो आप प्रैक्टिकल काम जो होता है मेहनत करके करने वाला काम, वो काम कीजिए, उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया, इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और रेमेडीज मुझे जरूर याद दिला दीजिएगा, मुझे ये रेमेडीज बतानी है। नमस्कार।